gerne Freddy Kimmel में. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. आज है हमारा कश्मीर में दूसरा दिन और आज हम आगे की तरफ नहीं गए. आज हम फिर से यहीं पे हमने स्टे किया है. ये कर रहे हैं चिराग शर्मा. चिराग शर्मा, थैंक यू. ये बहुत जगह है यार ऊपर है. परी महल जा रहे हैं और जाते हुए यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है. तो बचा लिया ना, नहीं उतार के सब कुछ नहीं यार. और सही भी है, जिनके पास बड़े बड़े बैग है, मतलब होता है घूमने आए तो बैग तो होते ही है, तो पूरी चेकिंग हो रही है. हम तो अपना होटल में रख के आए तो फिर भी उन्होंने पूरा देखा. और ओ भी आपको क्या बोला उन्होंने, बच्चे को गोद में ही रखना, ऐसा बोला ना. और चिराग से चिराग का नाम पूछा. चिराग तो मैंने चिराग को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा. तुम्हें क्या आर्मी से डर लगता है क्या? नहीं, क्या हुआ? चिराग शर्मा. चिराग ने पता कैसे की, उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, चिराग बोलते चिराग शर्मा. In 600 meters, turn right. परी महल जाते हुए रास्ते में सबसे पहले ये वाला गार्डन आता है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है चश्मे शाही. लेकिन पहले हम परी महल जाएंगे क्योंकि वो इससे थोड़ा दूर है. और ये डल लेक जो है उसके काफ़ी नज़दीक है. जो डल लेक आता है वो ऑब्वियसली परी महल भी जाते हैं क्योंकि काफ़ी नज़दीक है डल लेक से. कल ऑटो वाले भैया ने बोला कि परी महल वो लोग जाते हैं जिनको शांति चाहिए होती है. चिराग यहाँ पे इनको बहुत सारी टेंशन होती है. हाँ, लेकिन यहाँ पे देख के लग नहीं रहा है कि अंदर शांति होगी क्योंकि यहाँ पे इतना क्राउड है बुरे हाल से. मतलब गाड़ियाँ भी पीछे खड़ी की हुई हैं. बाकी आगे देखते हैं. हाँ, वो रूम पे है चाबी. चिराग ने ओबू को पकड़ा हुआ था तो फिर मैं चली गई थी टिकट लेने के लिए. और एडल्ट का यहाँ पे टिकट का प्राइस था 25 रुपये और बच्चों का था 10 रुपये. तो हमारे यहाँ पे टोटल 60 रुपीज़ लगे थे. कल भी जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे भी शायद इतने ही लगे थे, मेरे को ध्यान नहीं रहा है. लेकिन हाँ, इतने ही लगे थे, ज़्यादा नहीं लगे थे. चलो अब चलते हैं परी महल, देखते हैं कैसा है. क्योंकि हमने तो यही सुना है कि अंदर बहुत शांति होती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे टूरिस्ट दिख रहे हैं ना, लग नहीं रहा शांति होगी. एक्चुअली सैटरडे संडे का दिन होता है तो इस दिन तो ऑब्वियसली बहुत भीड़ होती है. लोकल भी सारे घूमने आए होते हैं फैमिली के साथ, तो यहाँ पे शांति नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी. लेकिन हाँ, देखने में बहुत अच्छा था. कितना सही लग रहा है यार, पर शांति नहीं है इधर. चिराग जिस शांति की वो बात कर रहे थे वो नहीं है. कहते हैं कि इस महल का जो निर्माण है वो दारा शिको, एक राजकुमार थे मुगल सम्राट के बेटे, उसने किया था. वो दिल्ली में रहते थे लेकिन उनको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था और उनको पढ़ने के लिए एकांत चाहिए था. और उस शांति और एकांत की तलाश में वो यहाँ पे कश्मीर आके बस गए थे और उन्होंने यहाँ पे इस महल का निर्माण किया. ये गार्डन पूरा ऐसा ही है परी महल. सॉरी, ये पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी यार, सही लग रहा है, ऑसम लग रहा है. बस आगे आगे भागी जा रहे हैं दोनों. और एक यहाँ पे चिनार का पेड़, एक वहाँ पे. और ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे इतने पसंद है ना चिनार के पेड़. ये सामने छोटी सी जेल बनाई हुई है. अरे वाह, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? अच्छा, नॉटी. दोनों वहाँ पे उस पेड़ के पीछे छुप गए. अरे ये बच्चा इस पेड़ पे चढ़ा हुआ है, देखना वो दोनों मेरे साथ छुपन छुपाई खेल. बूम!
परी महल के ऊपर टॉप पे आके सामने आपको डल लेक भी देखने को मिलेगी, और पूरी डल लेक दिखती है यहाँ से, जितने भी एरिया में फैली हुई है ना वो पूरी दिखती है, और बहुत प्यारी लगती है, इतनी ग्रीनरी, मन शांत हो जाता है यहाँ पे आके। तो बस ये थी हमारी परी महल की यात्रा, अब चलते आगे की तरफ। अब दूसरा गार्डन जो रास्ते में था, चश्मे शाही, वहाँ पे चलते हैं। देखो कहाँ पे छुपे हुए हैं ये दोनों बाप बेटी, ढूंढ लिया मैंने। यहाँ भी ढूंढ लिया यार। इतना ट्रैफिक है ना इधर, क्योंकि आज बहुत ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे हैं, शायद सैटरडे संडे भी है, फिर लोग छुट्टी भी लेते हैं चिराग है ना। यहाँ पे कम से कम 20 मिनट हो गए हमें खड़े हुए, ये हमारी गाड़ी खड़ी है और अभी तक ये रोड खाली नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऊपर कॉफी स्टॉल भी लगा हुआ है, ऊपर कॉफी पीनी हो तो। अभी मैं और ओबू गाड़ी में बैठ गए, चिराग बाहर खड़े हैं क्योंकि हमारी गाड़ी यहाँ पे फंस चुकी है, इतना ज्यादा ट्रैफिक है, उधर से गाड़ियां आ रही हैं, पीछे से गाड़ियां आ रही हैं, और हमने पहले ही साइड में की हुई थी तो इस वजह से ये फंस गई है। अब जब तक ये साफ नहीं होगा हमारी गाड़ी भी यहीं पे रहेगी, तो इसलिए मैं और ओबू अभी यहाँ पे बैठ गए हैं, और हमें कम से कम आधा घंटा तो हो ही गया, आधे घंटे से ऊपर हो गए यहाँ पे, इतना ज्यादा ट्रैफिक है। और इधर इस बंदर को भूख लगी है और ये खा रही है बनाना। ओ डमू भर रहा, ओ बंदरी ये थोड़ा थोड़ा खा मम्मा, थोड़ा थोड़ा खा, इतना इतना ज्यादा क्यों डाल रही है। मैं और वो बाहर खड़े थे कि हमें लगा ये साफ हो जाएगा और हम गाड़ी में बैठेंगे, और ना सामने गाड़ी थी और गाड़ी में ना बड़ी, मतलब 10-15 मिनट हो गए वो गाड़ी हमारे सामने ही थी, और वो देखी जा रहे थे, उन्होंने गॉगल लगाई थी, इतना खुश हो रही थी इसको देख के, इसके साथ बातें करने लग गए, फिर इसकी फोटो भी ली ओबू, फिर ओबू इतनी बंदरी कहती है मुझे फोटो लेना अच्छा लगता मम्मा। तो चलो चलते हैं एक और गार्डन की सैर करने, जिसका की नाम है मुगल गार्डन चश्मे शाही। इसको भी मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने छोटे बेटे दारा सिखों के लिए बनवाया था। ये गार्डन काफी छोटा है एज कम्पेयर टू अदर मुगल गार्डन्स, बाकी गार्डन जो है ना काफी बड़े बड़े हैं और ये गार्डन छोटा है। अभी इस टाइम हम एंट्री गेट पे 20 रुपीज दे रहे हैं इनको बैठे हुए। एक्चुअली यहाँ पे जो भी बाहर से खाने के लिए अंदर कुछ लेके जाता है उससे ये 20 रुपीज ले लेते हैं, और वापस आते हुए हम इनके सामने जो भी रैपर या जो भी खाया हुआ लिफाफा है जो भी होता है वो यहाँ पे डस्टबिन में डाल देते हैं, और ये हमें बाद में 20 रुपीज रिफंड कर देते हैं। तो चलो अब अंदर चलते हैं। इस गार्डन को रॉयल स्प्रिंग नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ की खास बात बताऊं तो अंदर जैसे कि आज पा रहे थे पानी मुट्ठा ना, बोले बोले पानी मुट्ठा आगने बड़ बारी प्योर हुआ पीना चाहिए, तो उसी तरह से अंदर यहाँ से एक जगह है वहाँ से पानी निकलता है और वो मिनरल वाटर है, तो लोग उसको पीते हैं और अपनी बॉटलों में भर भर के लेके जा रहे थे। और यहाँ पे ना मैक्सिमम जो लोकल लोग थे वो भी घूमने आए हुए थे, जैसे पिकनिक मनाते हैं उस तरह से, इतने बड़े बड़े डब्बों में बिरयानी भर के लेके आए थे चाय, और यहाँ पे बैठ के पूरी फैमिली एक साथ उनको खा रही थी। अच्छा वहां से आ रहा है वो पानी। शाबाश मेरा पुत्र, वो भी ले रही है पूरे मजे टूर के। ओ भी नीचे रहने दो, यहीं पे रहने दो, नीचे मत जाओ, नीचे रहने दो, नीचे बहुत लोग हैं, आप यहीं पे प्ले कर लो। अच्छा बच्चों के पास जाना है, जा तो जा नीचे।
जाओ जाओ इधर से जाओ बेटा, ये स्टेयर्स आराम से वन बाय वन स्टेप एट अ टाइम, एक बारी में एक, धीरे धीरे। तुम भी संभालो अपनी बेटी को, तुम ही लेके आए हो हमें इधर। तो अभी हम आए हैं चश्मे शाही जो गार्डन है वहाँ पे। हमें यहाँ पे लगा कि शायद बच्चों के प्ले वगैरह कुछ करने के लिए होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जस्ट व्यू है और गार्डन है, पार्क टाइप है, जैसा कि ड्रिंकिंग वाटर है। हाँ तो वही ड्रिंकिंग वाटर है और नहीं है कुछ है, ग्रीनरी है बस। हाँ शायद पब्लिक बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है वही लग रही। ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ ਰੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਆਈ ਹੈ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੀ ਉਸੇ ਮੁੰਨੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆ ਰੁੜਦੀ ਰਹਾ ਔਰ यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे ना इतने अच्छे से अब मैट लेके आए हैं, बड़ी बड़ी मैट, और पूरी फैमिली बैठ के वो क्या होता है बिरयानी बिरयानी टाइप वैसे वैसे चीज़ें लेके आए हैं खाने के लिए। बड़ा मन कर रहा है उनकी बिरयानी को देख के खाने का। वैसे अच्छा है अगर कुछ पिकनिक वगैरह कुछ ऐसा छोटा मोटा फैमिली के साथ आओ तो यहाँ पर बहुत बहुत सही है। और ये पीने का पानी है ये पीछे ये जो पीछे दिख रहा है ना यहाँ पे बना हुआ है कुछ, वहाँ से पानी निकल रहा है और बहुत ठंडा पानी है और वो इतना एंजॉय कर रहे हैं इस पानी में, लेकिन ये बहुत ठंडा है और इसको कोई डर नहीं लग रहा बेटा, बीमार भी हो जाते हैं। एक और पार्क लेके चलोगे, तीन पार्क हो गए, थक गई मैं। मुगल आर्किटेक्चर बोला है तो ठीक है, तो वो तो ठीक है लेकिन मैं थक गई मैं ये बोल रही हूँ। और जे तुझे तो फूल लिया है डाल लिया है तो सही रहना, जे तू देखगी भाई ये कौन है राजे अपने बच्चे इकट्ठे बनाए भाई तो तुझे कुछ और नजर आना। लाड़िया कट्ठे भी बनाई दी ने राजा ताजमहल। अब हम पहुंच गए एक और गार्डन जिसका कि नाम है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बॉटनिकल गार्डन। आज हमने पूरा दिन सिर्फ गार्डनों की ही सैर की, जितने कितने हमसे कवर हुए। गार्डन ही गार्डन है, एक और गार्डन है जहाँ पे हम आए, ये बहुत सुंदर है। बाकी गार्डन भी बहुत सुंदर थे लेकिन मुझे ये थोड़ा अलग सा लगा क्योंकि यहाँ पे अंदर ये देखो झील जैसी भी है और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कि वैसे ही सारे हर गार्डन में है लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा है। एक यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन है लेकिन हम वहाँ पर नहीं गए। लाल नील वाला चश्मा भी खरीद। इस गार्डन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर हैं और उनके नाम भी लिखे हुए हैं, हर टाइप के फ्लावर हैं जी। आगे इधर है ना, ये लग रहा है थोड़ा वो सामने वो बड़ा सही लग रहा है। चिराग ट्यूलिप में नहीं गए हम, हमें सुबह के निकले हुए, हमने सोचा था सारे गार्डन कवर करेंगे लेकिन मुझे नहीं लगता चिराग ट्यूलिप हो पाएगा। अभी तक शालीमार भी जाना है, चिराग का बहुत मन है शालीमार जाने का। ये है वाटर लीली, ये जो है ना ये वाटर लीली है। ओवो इधर आओ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। नहीं नहीं ये देखो, ये वाटर में पत्ते नहीं है देखो, इनको क्या बोलते हैं? वाटर लीली। वाटर लीली यस। चलो चिराग यहाँ पे पूछते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ड्रेस, चलो आ जाओ। ओ वो बहुत सुंदर लग रहे हो आप तो, आ जाओ बेटा। वाओ ये अभी है ना आपके लिए कैप, ये हो गया कैप ठीक है। इसके ऊपर अभी आपको दुपट्टा आएगा, ये वाला दुपट्टा, दुपट्टा पर हमारा बोर्ड लगा है, मैंने भी पहनने हैं। मम्मा को भी कर दो आप, ओ भी मैं भी पहन लूं आप तो। कश्मीरी गर्ल बन गई पर मुझे ये मटका पकड़ने नहीं आ रहा, तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। मम्मा भी पहनेगी ना अभी? हाँ जी आप भी पहनोगे, फिर हम दोनों ब्यूटीफुल बन जाएंगे ना। चलो आज पापा को बोले आप भी पहनो कुछ।
ओ भी आप तो बहुत। चलो गाइस ओके क्या दूल्हा तो मैं बन चुका हूँ। तो ये क्या ऐसा ही होता है दूल्हा? ऐसा तो नहीं होता, वो तो सिर्फ न्यू शर्ट पहनता है। तो ये न्यू भी है? देख न्यू तो है, ये तो सिर्फ गाड़ी की है। आप कहाँ जा रहे पानी भरने? अब मैं मेकअप कर लूँ थोड़ा सा और वहाँ पे पानी भरो, फिर वहाँ से आ जाओ। वाह यार कितना सही लग रहा है ये फाउंटेन। ऐसे ही होता है खुला खुला है कि नहीं? पीछे से क्या ऐसे ही होता है खुला खुला? एक्चुअली ये दूध ही रहता है। अब बुमरो बुमरो गावे दो ना थे। किथे चली बांटना, किथे चली तू ठुमक ठुमक खाए, किथे चली तू, किथे चली बांटने, किथे चली तू ठुमक ठुमक खाए, किथे चली तू। फिर से पहुंच गए हैं वोटिंग करने इधर और अभी हम जा रहे हैं मीना बाजार, देखते हैं कैसा है। सुना है उसका नाम, आज देख के आते हैं। आपके साथ तो बम्पर ही अच्छा बनिया, मुझे उस साइड जाने दो। वो सेम ही पानी सेम ही है बेटा, ये पानी सेम ही है इधर भी और उधर भी। रोड पे मत रखो, इसलिए मैंने बताया ना गाड़ी अंदर रखा क्यों। हम अभी लेके वहाँ उस जगह पे पहुँच गए जहाँ पे मीना बाजार है और ये पीछे मीना बाजार है। यहाँ पे हाउस बोट्स भी है, यहाँ पे सामान जो आपको लेना हो छोटा मोटा। अभी तो हम चल रहे हैं, अब देखते हैं साइड में कैसी कैसी शॉप्स हैं। हमारे उस साइड चिराग देखो कोक वाली शॉप भी है। कितना सुंदर है वो, देखो सामने यहाँ पे कोक मिल रही है, वो सामने देखो। तो ये है मीना बाजार। वाओ यार जी अब कितना सुंदर लग रहा है यार। कितना सही है यार, है नहीं एक जगह पे फिर भी पानी में ऐसे ऐसे हो रहा। कितना सही लग रहा है ये। ये है हाउस बोट्स और इनके रेंट की स्टार्टिंग है 4,000 से। कितने सही लग रहे हैं। वो देखो वो एक शॉप वहां पे जा रही है बोट में, एक शॉप वहाँ पे है किसी ने भुट्टा खाना हो तो। बारबेक्यू भी है। कहाँ पे है? यहाँ पे तो सब कुछ है अंदर, डॉक्टर भी है, दवाइयाँ शवाइयाँ सब कुछ। ये है बेस्ट पार्ट आज के पूरे दिन का। अब मुझे खुशी मिल रही है कि हम आए। ये तो मां सही लग रहा पूछना। पूछिए सब्जियां भी हैं हाउस बोट में।
भैया ये जो घर है ये भी पानी में है? पानी में है अभी? पानी में है वो सीमेंट का कैसे टिका हुआ है? वो सीमेंट का पानी में थोड़ी टिकेगा। उन्होंने बोला सीमेंट का कैसे टिकेगा पानी में? अच्छा वाह यार, और वो देखो पुराने घर भी हैं इधर। यहाँ पे लोग रहते हैं, घर है किसी का यहाँ? वो देखो चिराग वाटर लिली कितने सारी हैं। पर ये लोग रहते कैसे हैं यार? इस नीचे से सड़ता नहीं है इनका कुछ? सड़ता नहीं है, जोरदार से रहता है बहुत कुछ। अच्छा लोग क्या सवेरे मॉर्निंग में यहाँ काम करते हैं लोग। अच्छा अच्छा, कारपेट शॉल सूट बाद में इधर यही जो मार्केट आएगा ना। अच्छा दिखाऊंगा ना मैं आपको दुकान, वहाँ पे आपका बोर्ड रखे यहाँ नंबर होता है, सीसी कैमरे लगे ना तो यहाँ पे तो बहुत कॉस्टली चीजें होंगी। ये सारा ये जमीन कुछ भी नहीं है, ये पानी के ऊपर है। और ये तो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये जो पीछे बड़े बड़े हैं। अरे तो जमीन है, वो जमीन पे जा रहे थोड़े थोड़े आइलैंड है, आइलैंड आया है ना आइलैंड, इसी से बनता है ना फ्लोटिंग गार्डन से आइलैंड। अच्छा नहीं है इनके पास ग्रीन वाला। बड़े बच्चों का फिर इधर से समझे, इधर से हम जहाँ से हम आए ना फिर इधर से उधर ही शिकारा वापस जाए। अंदर में दो तीन मार्केट है, शॉल का है, जैकेट का है, वॉलनट का है, ज्यादातर यहाँ शॉल ही देखते हैं। वाव यार कितनी बड़ी शॉप है, चला के आगे आ जा। आओ बेटा आओ बेटा। वाव अब ये मीना बाजार, ओह माय गॉड लकड़ी का ये बैठो ऐसे मत। एक्सक्यूज मी सर, वी जस्ट लुक अराउंड हियर, अगर आपको कोई भी बड़ा चीज आइटम चाहिए हम आपको बेच सकते हैं डोर टू डोर होम डिलीवरी। तो ये है मीना बाजार जहाँ पे कि सारा सामान मिलता है डेली यूज का सारा। यहाँ पे मेडिकल स्टोर भी था, सब्जियाँ दवाइयाँ फ्रूट्स जो भी होता है, जो भी डेली नीड में चाहिए होता है सब कुछ था। अभी ये सारी लाइटें जग चुकी हैं और इनके शॉप्स हैं, इनके पीछे घर हैं, सब पानी में है। ये जो घर है ना यहाँ पे लोग रहते हैं, भैया जो मतलब जो बोट चला रहे थे वो बता रहे थे हमें। और जब विंटर्स आते हैं ना, विंटर्स में सारी बर्फ जम जाती है इस झील के ऊपर, तो उसके ऊपर चलते भी हैं यार बर्फ के ऊपर। मतलब मैं तो सोच के हैरान हूँ कि कैसे कोई कैसे रहता होगा यार, बिल्कुल ही अलग दुनिया में। पिछले कल हम दिन के टाइम पे आए थे यहाँ पे, और एक बात बोलूँ ये दिन के टाइम पे उतना ब्यूटीफुल लेक नहीं लगती है जितनी कि जैसे शाम होने को आती है ना जब ये लाइटें जग जाती हैं। ये अलग ही यार, अलग ही लेवल का नज़ारा है ऐसा। मतलब फ़ोन में जैसे मैं देख पा रही हूँ तो मेरे को उतना वो नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सामने तो यार जन्नत है जन्नत। एक बज रहा है और होटल के बाहर गद्दी चले हुए हैं। ये कुछ चल रही राती वो ये नहीं है गद्दी लोकल है ये कहाँ चल रही राती तो दिना गड़िया नहीं दी। वाह क्या टाइम हो रहा है? एक बज रहा है बजना वो किटी काम चिराग में ज़्यादा डर लग रहा है। एक गाड़ी नहीं चलती कश्मीर में है ना, रोड छोटा सा रह गया, एक तो रोड़ा जी बैठी रही हो
मेरी माँ राती एक बजे तक ना जाना कुछ हो चीज़ आ होटल आया जाना नहीं है ना ये भगवान ही कुछ चलाई रही ने ये सुबह भी यही मिलेंगी तेरे को।